a poem of Honeycomb. The name of the poem is Jive. Michael Rosen has written this poem. Jive means to nag. It means to continuously urge someone to do something, often in an annoying way. किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना इन अनोइंग वे में, मतलब किसी को परेशान करना, बार बार किसी को कहना कि ये करो ये ना करो, तो दैट मीन्स चिवे, टू नेग. ओके, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू? क्या तुम ये कहलवाना पसंद करोगे कि कोई तुम्हें ये कहे ये करो ये ना करो? डू ग्रोनअप्स डू दिस? क्या ग्रोनअप्स क्या होते हैं? बड़े, जो घर के, जो आपसे बड़े हैं, लाइक योर पेरेंट्स, योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर. डू ग्रोनअप्स डू दिस? क्या ग्रोनअप्स ऐसा करते हैं? इन योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव के अनुसार. व्हेन माइकल वाज 5 years old, जब माइकल 5 वर्ष का था, हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाय स्कूल फॉर एडमिशन. तो उसकी मदर उसे एक पास के स्कूल में एडमिशन के लिए उसे ले गई. द टीचर आस्क्ड, अध्यापक ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? चाइल्ड, बच्चे, तुम्हारी मदर तुम्हें घर पर क्या बुलाती है, क्या कहती है तुम्हें? माइकल, डू नॉट कम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. तो माइकल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ क्या उत्तर दिया कि उसकी मदर क्या कहती है? माइकल, डू नॉट, माइकल ऐसा नहीं करना. मीन्स उसने टीचर को ये बताया कि मेरी माँ मुझे हमेशा यही कहती है कि माइकल ऐसा नहीं करना. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, बड़े इस प्रकार की बातें कहते हैं. क्या बातें कहते हैं? स्पीक अप, बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह भरकर मत बोलो. मुंह भरकर मत बोलो का मतलब क्या है? कि जब तुम खाना खाते हो या कोई और चीज खा रहे हो, तो तुम्हें एल्डर्स जो हैं, ग्रोनअप्स जो हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि जब कुछ खा रहे हो तो तुम्हें नहीं बोलना. डोंट स्टेयर, घूरो मत. डोंट पॉइंट, इशारा मत करो. डोंट पिक योर नोज, नाक मत चढ़ाओ. सिट अप, बैठ जाओ. से प्लीज, प्लीज कहो. लेस नॉइज, कम आवाज़ करो. शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाजा बंद करके आओ. डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को मत घसीटो. हैव नॉट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास एक रूमाल नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अपनी जेबों से हाथ बाहर निकालो. पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबों को ऊपर खींचो. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो. से थैंक यू, थैंक यू बोलो. क्या होता है कि जब कोई तुम्हें कुछ गिफ्ट देता है, या तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई हेल्प करता है, या कुछ और ऑफर करता है तुम्हें, तो आपके एल्डर्स जो हैं, ग्रोनअप्स जो हैं, आपको यही सिखाते हैं कि थैंक यू बोलो. होता है ना ऐसे. डोंट इंटरप्ट, परेशान मत करो. नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई ऐसा नहीं सोचता है कि तुम फनी हो, तुम मजाकिया हो. फनी मीन्स मजाकिया. टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी कोहनियों को मेज पर से हटाओ. कॉन्ट यू मेक योर ऑन माइंड अबाउट एनीथिंग. अब लास्ट में एल्डर्स क्या कहते हैं? पहले तो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि ये करो ये मत करो, लेकिन लास्ट में क्या होता है, ग्रोनअप्स, जब बच्चा यंग हो जाता है, तो ग्रोनअप्स क्या कहते हैं कि क्या तुम किसी भी काम में अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो? पहले हमेशा उसे यही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस चीज़ को फॉलो करो, जो तुम्हें कहा जा रहा है उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो. लेकिन बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसे यही कहा जाता है कि तुम जो है क्या किसी भी काम में अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो. ये बात जो है पोएट को अनरीजनेबल लगी है, माइकल रोजन को, ठीक है, और उसने इसको टोटली अनरीजनेबल बताया है. तो मींस पोएट के कहने का भाव क्या है कि बच्चे को शुरू से ही थोड़ा सा उसका अपना माइंड लगाने देना चाहिए किसी भी काम में. ठीक है, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो है उसे अपना भी माइंड लगाने देना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम चिवे. सो टुडेज क्लास इज ओवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.